वर्गमूल का अनुमान लगाना, उदाहरण भाग एक, एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स पार्ट वन। दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने संख्याओं के वर्गमूल का अनुमान लगाना सीखा था। इस वीडियो में हम इससे संबंधित एक उदाहरण देखेंगे। इस वर्गाकार खेत को देखिए। इस खेत का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है। इस खेत का परिमाप ज्ञात कीजिए। हमें इस वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर दिया गया है। मान लीजिए कि इस वर्गाकार खेत के किनारे की लंबाई S है, तो वर्ग के क्षेत्रफल के सूत्र के अनुसार यह बराबर होगा S की घात 2 के, जो कि बराबर होगा 300 वर्ग मीटर के। एक वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका परिमाप सभी किनारों का योग होगा, जो बराबर होगा 4S के। इसका मतलब हमें इसके परिमाप को ज्ञात करने के लिए इसके किनारे की लंबाई ज्ञात करनी होगी। इस समीकरण पर ध्यान दीजिए। हमें S का वह मान ज्ञात करना है जिसका वर्ग 300 होगा। यानी अब S का मान ज्ञात करने के लिए हमें संख्या 300 का वर्गमूल ज्ञात करना होगा। आइए 300 के वर्गमूल का अनुमान लगाएं। संख्या 300 से छोटी और 300 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्याओं के बारे में सोचिए। आप उन दो पूर्ण वर्ग संख्याओं को देखिए जिनके बीच में संख्या 300 आती है। हम देख सकते हैं कि संख्या 300 289 और 324 के बीच में आती है। इसलिए संख्या 300 का वर्गमूल भी इन दोनों संख्याओं के वर्गमूल के बीच में ही आएगा। 289 का वर्गमूल 17 है और 324 का वर्गमूल 18 है। इसका मतलब है कि 300 का वर्गमूल 17 और 18 के बीच में ही आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि संख्या 324 की तुलना में संख्या 289 के नजदीक है, जिसे हम उनके अंतर से जांच सकते हैं। यानी 300 के वर्गमूल की निकटतम संख्या 17 है। आइए 17 से थोड़ा आगे बढ़ते हुए 17.1, 17.2, 17.3 और 17.4 के वर्गों की जांच करते हैं। 17.3 के वर्ग को देखकर हम यह कह सकते हैं कि 17.3 का वर्ग लगभग 300 के बराबर आया है। इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि 300 का वर्गमूल लगभग 17.3 के बराबर होगा। अतः वर्गाकार खेत के एक किनारे की लंबाई लगभग 17.3 मीटर होगी, जिससे हमें खेत का परिमाप 69.2 मीटर प्राप्त होगा। अब आपके लिए एक प्रश्न है। एक वर्गाकार खेत के किनारे की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है। आप इस प्रश्न को अपनी अध्यापिका और अपने दोस्तों के साथ हल करने का प्रयास कीजिए। इस वीडियो में हमने संख्याओं के वर्गमूल का अनुमान लगाने से संबंधित एक उदाहरण देखा। अगली वीडियो में हम कुछ दिलचस्प प्रश्न हल करेंगे। धन्यवाद।